सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रेजी कार्स। इस चैनल में हम कार से रिलेटेड सभी चीज़ कवर करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन इफ़ यू आर ए कार लवर। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं MG ग्लोशर के बारे में, जो कि MG की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला गया है इंडियन मार्केट में। ये कार लॉन्च हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को इंडिया में। MG की तरफ से ये फोर्थ प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। पहला जो कि MG हेक्टर, जो कि 12.83 लैक्स से शुरू होकर 18.08 लैक्स तक एक शोरूम जाता है। सेकंड प्रोडक्ट MG की तरफ से MG हेक्टर प्लस लॉन्च किया गया था, जो कि 13.73 लैक्स से शुरू होकर 18.68 लैक्स तक जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, जो कि MG ZS EV था, जो कि 20.88 लैक्स से शुरू होकर 23.58 लैक्स तक जाता है। एंड रिसेंटली 8 अक्टूबर 2020 को MG ने ग्लोस्टर को लॉन्च किया है, जो कि एक फुल साइज़ SUV है। MG ग्लोस्टर को टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, MG अल्ट्रस G4 और सुजुकी MUX को टक्कर देने के लिए इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो ये सभी कार के कंपैरिजन में आने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, जो कि है MG ग्लोस्टर। ये कार ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जो कि एक फुल साइज़ SUV लेना चाहते हैं और फुल कम्फर्ट और फीचर्स के साथ, बिकॉज दिस कार इज़ फुल्ली लोडेड विद फीचर्स। दिस कार स्टार्ट फ्रॉम 28.98 लैक्स एंड गोज अप टू 35.38 लैक्स एक शोरूम। अब आते हैं इस कार के लुक्स पे। फ्रंट से ग्लोस्टर को एक मस्कुलर और एंग्री लुक दिया है। इस कार के रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर साइड से ग्लोस्टर निकलती है तो आदमी एक बार तो मुड़ के देखेगा ही, और उसमें भी अगर ब्लैक कलर हो तो सोने पे सुहागा। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ग्लोस्टर की लेंथ 4985 mm है, 1926 mm विड्थ है और 1867 mm की हाइट है। मेरे लिए ये डायमेंशंस परफेक्ट है एक कार के लिए। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो MG ग्लोस्टर में आपको 2950 mm का व्हील बेस मिलता है। इट कम्स विथ 6 and 7 seater कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फॉर्च्यूनर या एंडेवर लेना चाहते हैं तो आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्च्यूनर में कुछ फीचर्स और सनरूफ नहीं मिलती और एंडेवर में अब आपको 2 liter का कम पावर वाला इंजन आता है, और ग्लोस्टर इन दोनों का बेस्ट मिक्सचर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल कंक्लूजन मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ग्लोस्टर में 2000cc का डीजल इंजन आता है, जो कि 215 bhp की पावर जनरेट करता है और 480 Nm का टॉर्क। ग्लोस्टर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। आप मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैनुअल के हार्डकोर फैन है उनको ये चीज़ थोड़ी बहुत खटकेगी। अगर हम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ग्लोस्टर में आपको 75 liters का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आपको एक लग्जरी फील ज़रूर मिलेगी। मुझे पर्सनली ग्लोस्टर का इंटीरियर BMW की तरह लगा। अगर आपका बजट 30 से 40 lakh के बीच में है और आप एक फुल साइज़ लग्जरियस व्हीकल चाहिए तो आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो आपको फ्रंट से बहुत ही एग्रेसिव लुक मिलेगा। MG ने इस बार भी बॉडी लाइंस को बहुत ही फोकस किया है। इस कार के साथ आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल तो नहीं, लेकिन आप लेह लद्दाख इस कार पे इजीली जा सकते हैं। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, ग्लोस्टर वर्सेस फॉर्च्यूनर वर्सेस एंडेवर। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ड्राइव सेफ एंड बी सेफ। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.
I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.